ये गाइस आज हम करेंगे दो प्रो फोन्स का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। दोनों स्मार्टफोन का बैटरी मैंने फुल कर दिया है। इस पूरे एक डेढ़ घंटे के टेस्ट के बाद हम दोनों स्मार्टफोन का बैटरी भी चेक करेंगे कितना बैटरी दोनों स्मार्टफोन ड्रेन करता है। तो गाइज अपने पास है पोको X6 Pro फ्लैट डिजाइन वाला स्मार्टफोन मैट फिनिश लेदर टेक्सचर डिजाइन के साथ एंड ग्लॉसी ग्लास बैक कर्व डिजाइन वाला Vivo T2 Pro। डिजाइन की बात करें तो दोनों डिवाइस में दो बातें कॉमन है, दोनों में हेडफोन जैक आप नहीं लगा सकते और ना ही माइक्रो SD कार्ड। पोको एक IP54 रेटेड स्मार्टफोन है, Vivo T2 Pro IP52 रेटिंग के साथ आता है। दोनों स्मार्टफोन को पावर दिया है MediaTek का चिपसेट ने। पोको में मिल जाएगा Dimensity 8300 अल्ट्रा एंड Vivo में Dimensity 7200 एंड दोनों स्मार्टफोन 8GB रैम वेरियंट है। पोको में मिलेगा LPDDR5X, Vivo में LPDDR4X RAM। स्टोरेज टाइप पोको में मिलेगा UFS 4.0, Vivo में 2.2। Vivo एक फुल HD+ डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, पोको ऑफर करता है 1.5K रेजोल्यूशन। दोनों 120Hz AMOLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। टच सैम्पलिंग पोको ऑफर करता है 480Hz, Vivo 300Hz। नाउ सॉफ्टवेयर, पोको लेकर आया है HyperOS Android 14 based OS दिसंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ एंड Vivo T2 Pro में मिल जाएगा फन टच OS Android 13 based OS अगेन दिसंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी रेट टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट और कैमरा कंपैरिजन कौन कौन देखना चाहता है जरूर बताना। तो गाइस हाइपर ओएस वाला पोको X6 Pro पहले बूट हो गया, कुछ 5 सेकंड्स ज्यादा लिया Vivo T2 Pro ने बूट होने में। नाउ बायोमेट्रिक सिस्टम की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोन ऑफर करता है इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड दोनों स्मार्टफोन एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। देख सकते हो सिंगल चांस में दोनों डिवाइस अनलॉक हो रहा है एंड अगर दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो स्लाइटली फास्टर लगा मुझे Vivo T2 Pro। पोको X6 Pro स्लो नहीं है लेकिन Vivo T2 Pro स्लाइटली फास्टर लग रहा है। जब दोनों स्मार्टफोन को आप एक साथ यूज करोगे ना तो इस बात को आप रियलाइज करोगे कि हाँ Vivo T2 Pro थोड़ा क्विक लग रहा है। गाइस चलो अब दोनों स्मार्टफोन में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखते हैं काइनमास्टर ऐप यूज करके। अगर आप अपने स्मार्टफोन से ही वीडियोस एडिट करते हो तो ये पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों डिवाइस में दो सेम फाइल मैंने ट्रांसफर कर दिया है। नाउ सेटिंग्स की अगर बात करूं तो पोको X6 Pro में आप 4K 60fps पे वीडियोस एडिट कर सकते हो एंड Vivo T2 Pro में 2K 60fps। तो चलो दोनों स्मार्टफोन में सेम सेटिंग्स अप्लाई करके यानी 2K 60fps पे वीडियोस को एडिट करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन वीडियो रेंडरिंग में कितना टाइम लगाता है। वीडियो एडिटिंग के लिए पोको X6 Pro बेटर डिवाइस रहेगा, देख सकते हो काफी पावरफुल लग रहा है वीडियो रेंडरिंग के लिए। पोको ने ओनली 2 मिनट 47 सेकंड में टास्क कंप्लीट कर लिया, 3 मिनट से भी कम टाइम लिया। Vivo कम से कम 5 मिनट लेने वाला है। तो गाइस Vivo T2 Pro ने सेम टास्क कंप्लीट करने में 2 मिनट 17 सेकंड ज्यादा लिया, 5 मिनट 4 सेकंड लगा इसको टास्क कंप्लीट करने में। दोनों स्मार्टफोन में जियो का 5G सिम लगा है तो चलो प्ले स्टोर से एक 1.3GB का एक बड़ा गेम डाउनलोड करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है डाउनलोड करने में ऐप। गाइस दोनों एक 5G स्मार्टफोन है एंड 5G जियो 5G सिम के साथ पोको Vivo T2 Pro से ज्यादा तेज दिख रहा है एंड इसने 100% गेम 1 मिनट 2 सेकंड में डाउनलोड कर लिया एंड टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 1 मिनट 5 सेकंड। नाउ Vivo T2 Pro ने ऑलमोस्ट डबल टाइम ले लिया, 1 मिनट 52 सेकंड, 50 सेकंड ज्यादा पोको से एंड टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 2 मिनट 4 सेकंड। गाइस नेटवर्क स्पीड जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हे गाइस अब होगा स्पीड टेस्ट। पहले हम कुछ नॉर्मल एप्स वगैरह ओपन करेंगे देन गेम्स। दोनों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है तो चलो सबसे पहले हम ओपन करके देखते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स थोड़ा पहले ओपन कर लिया पोको ने, नाउ अबाउट फोन ओपन करके रख लेता हूँ। मल्टीटास्किंग में हम वापस इसको चेक करेंगे। अब यूट्यूब, ओके तो यूट्यूब भी पहले लोड कर दिया पोको ने। अब एक रील ओपन करके दोनों में रख लेता हूँ। नाउ गूगल क्रोम, तो गाइस गूगल क्रोम भी पोको X6 Pro ने पहले लोड कर दिया। वीवो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो फील हो रहा है। चलो दोनों स्मार्टफोन में एक सेम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। इस बार गाइस दोनों क्लोज था बट ऐसा फील हुआ मुझे कि Vivo T2 Pro ने कंप्लीट वेबसाइट जो है इंटरफेस पहले लोड कर दिया। प्ले स्टोर में अगेन पोको X6 Pro ने लीड ले लिया, 4 पॉइंट्स अभी तक बना चुका है पोको Vivo, 1 पॉइंट एंड अगेन 1 पॉइंट पोको को। इंस्टा अगेन पोको ने पहले लोड किया एंड जो लेटेस्ट पोस्ट था वो भी पोको में पहले दिखा। अब कमेंट्स ओपन करके देखते हैं। वाह तो कमेंट्स पहले लोड हो गया Vivo T2 Pro में। अब Amazon Prime, ग्रेट तो Amazon Prime भी Vivo T2 Pro ने पहले लोड कर दिया, इस बार पोको थोड़ा सा स्लो लगा। चलो अब एक मूवी ओपन करते हैं।
नॉर्मल एप्स हो गया, अब गेम्स ट्राई करते हैं। वीवो ने अभी तक 4 पॉइंट्स बनाए एंड पोको ने डबल। देखते हैं अब वीवो गेम्स में पोको के सामने टिक पाता है या नहीं। पहला गेम सुपर मारियो में वीवो T2 प्रो कुछ 3 सेकंड पीछे रह गया पोको से। अब एंग्री बर्ड 2। अगेन गाइस पोको X6 प्रो से वीवो T2 प्रो 3 सेकंड पीछे रह गया इस गेम में भी। अब टेंपल रन 2। थर्ड गेम में भी वीवो T2 प्रो कुछ सेकंड्स पीछे रह गया पोको X6 प्रो से। अब ट्राई करते हैं मार्वल का स्नैप। चौथे गेम में भी वीवो T2 प्रो पीछे रह गया पोको X6 प्रो से एंड इस बार कुछ 4 सेकंड्स ज्यादा लिया गेम लोड करने में। अब फ्री फायर मैक्स। वाओ गाइस पांचों के पांचों गेम पोको X6 प्रो ने पहले ओपन किया। अब जेनसेन इंपैक्ट। छह गेम पोको ने, वीवो ने अभी तक गेम में खाता नहीं खोला। चले देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या होता है। अगेन गाइस पोको X6 प्रो कॉल ऑफ ड्यूटी में भी आगे निकल गया। इस बार वीवो T2 प्रो ने थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया गेम लोड करने में। टोटल 7 या 8 सेकंड ज्यादा लिया वीवो T2 प्रो ने। अब BGMI। परफॉर्मेंस में दोनों स्मार्टफोन का कोई कंपटीशन नहीं है। गेमिंग में भी आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और स्पीड आप देख ही रहे होंगे। BGMI में अभी 5 सेकंड पीछे रह गया वीवो T2 प्रो। अगर पॉइंट्स की बात करें तो पोको ने 16 और वीवो ने ओनली 4 पॉइंट्स बनाए स्पीड टेस्ट में। एंड गाइस वीडियो रेंडरिंग में भी पोको X6 प्रो ने डबल स्पीड दिखाया और 5G डाउनलोड स्पीड में भी। नाउ चलो अब दोनों स्मार्टफोन का मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन 8GB वाला फोन है, तो चलो देखते हैं इन सारे ऐप्स को दोनों स्मार्टफोन कैसे मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिख रहा है। दोनों स्मार्टफोन ने 8 के 8 गेम्स मैनेज कर लिया, हैंडल कर लिया। बट गाइस Amazon में जो हमने प्रोडक्ट पेज ओपन कर रखा था एंड सेटिंग्स के अंदर अबाउट फोन सेक्शन जो ओपन कर रखा था, वो दोनों वीवो ने मैनेज कर लिया, पोको नहीं कर पाया। मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा था, लेकिन पॉइंट जाएगा वीवो T2 प्रो को। अब गाइस एंड्रॉइड वर्जन 10 का दोनों स्मार्टफोन का स्कोर। पोको X6 प्रो का 12.5 लाख से भी ज्यादा स्कोर दिख रहा है, वीवो T2 प्रो का 7 लाख। पोको X6 प्रो ने 5.5 लाख से भी ज्यादा स्कोर किया है वीवो T2 प्रो से। दोनों के CPU स्कोर को अगर कंपेयर करें तो 46,000 स्कोर ज्यादा दिख रहा है मोरलेस पोको X6 प्रो का, एंड GPU स्कोर का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। 5 लाख से ज्यादा दिख रहा है पोको X6 प्रो का स्कोर एंड वीवो T2 प्रो का 1,78,000, यानी टोटल 3,25,000 ज्यादा दिख रहा है स्कोर पोको X6 प्रो का। मेमोरी मैनेजमेंट के स्कोर में भी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, 1,36,600 स्कोर ज्यादा दिख रहा है पोको X6 प्रो का। यूजर एक्सपीरियंस का भी 54,000 मोर लेस। नाउ Geekbench 6 का स्कोर बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सिंगल कोर का स्कोर वीवो T2 प्रो का ज्यादा दिख रहा है एंड मल्टी कोर का पोको X6 प्रो का, एंड वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। नाउ गाइस CPU थ्रॉटलिंग 15 मिनट 50 थ्रेड्स का Antutu और Geekbench टेस्ट के बाद देखते हैं दोनों स्मार्टफोन कितना थ्रॉटल करता है। गाइस थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों स्मार्टफोन ने अच्छा स्कोर किया, थोड़ा ज्यादा किया वीवो T2 प्रो ने 89% और पोको ने 81%। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस दोनों पोको का ज्यादा दिख रहा है। इस टेस्ट के स्टार्ट करने से पहले हमने दोनों स्मार्टफोन का बैटरी फुल कर दिया था। नाउ इस 1.5 घंटे के टेस्ट के बाद पोको X6 प्रो 77% पे दिख रहा है, 23% बैटरी इसने ड्रेन किया है 1150 mAh, एंड वीवो T2 प्रो 78 पे चला है, 22% बैटरी इसमें ड्रेन हुआ है यानी 1012 mAh। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unboxed।